दोस्तों इस मैकेनिकल कीबोर्ड के अंदर एक ऐसा फीचर है, ज़्यादा बड़ा फीचर नहीं है लेकिन वो किसी भी कीबोर्ड के अंदर मिलता नहीं है। करेंगे इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर कर दीजिए। ब्लैक और रेड कलर का बॉक्स है, रेड गियर का कीबोर्ड है ये, शैडो ब्लेड MK853, काफ़ी अच्छा बॉक्स है। साइड में कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, पीछे कुछ डिटेल्स कीबोर्ड की इमेज वगैरह सारी आपको मिलती हैं। अब डायरेक्टली इसको करते हैं अनबॉक्स। ये सबसे ऊपर अपना कीबोर्ड मिलता है, कीबोर्ड को एक बार रखते साइड में, काफी हैवी है कीबोर्ड। रिस्ट रेस्ट मिलता है एक, इसको खोल के देखते हैं इसकी बिल्ड कैसी है। प्लास्टिक का है, एवरेज बिल्ड आप कह सकते हैं, एवरेज है, कोई पैडिंग नहीं है, कोई लेदर वगैरह की इस प्राइस में नहीं मिलने वाली आपको, लेकिन ये मिल रहा है काफी अच्छा है। इसके अलावा आपको एक की कैप रिमूवर मिलता है, एक रेड गियर का स्टिकर भी मिलता है, साथ में आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलती है जिसके अंदर कीबोर्ड के फीचर्स के बारे में बताया गया, जितनी भी RGB लाइट्स वगैरह हैं, हाउ टू कनेक्ट वगैरह, एक आपको मैनुअल मिलती है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। कीबोर्ड को देखते ही फर्स्ट इंप्रेशन वो पड़ता है कि काफ़ी हैवी है, काफ़ी स्टर्डी कीबोर्ड है ये, क्योंकि मेटल बिल्ड है, ऊपर जो इसकी प्लेट है वो मेटल है और काफ़ी हैवी मेटल है। बाकी सब जगह इसके प्लास्टिक है लेकिन जो ये उसका टॉप है वो मेटल का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है। आपको इसके अंदर जो केबल मिलती है ब्रेडेड मिलती है, काफ़ी अच्छी खासी लंबाई है केबल की, और इसके अंदर आपको गोल्ड प्लेटेड USB मिलती है जो कि एक प्रीमियमनेस का आपको एहसास देगी। होने कुछ नहीं वाला इससे लेकिन आपको प्रीमियम फील होगा। और इसके पीछे आपको शैडो ब्लेड की ब्रांडिंग मिल जाएगी, दो स्टेप्स मिल जाएंगे अगर आपको कीबोर्ड ऊपर करके चलाना है तो। काफ़ी अच्छी ग्रिप है इसके पीछे, एक बार कीबोर्ड को जहाँ पर रख दिया बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला है, दो स्टेप्स अच्छे खासे। और इसके पीछे वायर मैनेजमेंट के होल्स दिए हुए हैं, यानी कि आप इनके थ्रू अपनी वायर को सीधा निकाल सकते हैं, साइड से निकाल सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों से, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। फुल साइज कीबोर्ड है लेकिन वैसे कॉम्पैक्ट है, आपको ज़्यादा बड़ा कीबोर्ड नहीं मिलता। ऑफकोर्स ये बात है, अगर आप ये लगा लेंगे रिस्ट पैड तो कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन बिना रिस्ट पैड के काफ़ी कॉम्पैक्ट फुल साइज कीबोर्ड है। दोस्तों अब बढ़ते हैं इस कीबोर्ड के फीचर्स की तरफ, और एक फीचर सबसे मेरा पर्सनल फेवरेट वो है इसका वॉल्यूम नॉब। इसमें आपको वॉल्यूम नॉब मिलता है जिसकी मदद से आप आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स में क्या होता है, हमको दो कीज प्रेस कर आवाज़ को कम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन मेरे केसेज में आवाज़ को मुझे काफ़ी बार कम ज़्यादा करना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि ये वॉल्यूम नॉब अगर अपने कीबोर्ड में होगी तो बहुत ही हैंडी फीचर रहेगा, वरना बार बार F+ F6 या F7 की से आवाज़ को कम ज़्यादा करना पड़ता था, वो थोड़ा सा कम हैंडी होता था, लेकिन इसमें ये आपको वॉल्यूम नॉब मिलता है। इस वॉल्यूम नॉब की मदद से आप बड़े ही आसानी से आवाज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में अगर आप इस वॉल्यूम नॉब को प्रेस करोगे तो जो आपकी ऑडियो चल रही है, जो भी मल्टीमीडिया टास्क आप कर रहे हैं, वो प्ले और पॉज हो जाएगा। दोस्तों अब और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इस कीबोर्ड के अंदर आपको मिलते हैं डुअल शॉट की कैप्स, यानी कि जो इसकी कीज है वो दो लेयर्स को मर्ज कर एक नीचे से लेयर है, एक ऊपर की लेयर है, उन दोनों लेयर को मर्ज कर बनाएगी। साथ में मेटल बॉडी मिलती है, ऑफकोर्स बहुत भारी मेटल बॉडी है। साथ में आपको मिलते हैं 22 RGB स्पेक्ट्रम मोड, यानी कि आपको इसमें RGB लाइट मिलती है ऑफकोर्स, और 22 RGB लाइट्स के मोड मिलते हैं, कभी ऐसे कभी वैसे कभी ऐसे। और इस कीबोर्ड में मिलता है हमको रिस्ट रेस्ट, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया, एवरेज क्वालिटी का प्लास्टिक का रिस्ट रेस्ट इसमें हमको मिलता है। एंटी गोस्टिंग कीज मिलती है सारी की सारी, यानी कि आप कितनी भी कीज एक साथ दबा लीजिए सारी कीज रिस्पॉन्ड करेंगी। कई कीबोर्ड्स में क्या होता है, आपने 4-5 कीज एक साथ दबाई तो कुछ कीज तो प्रेस हो गई, उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया, लेकिन कुछ कीज रिस्पॉन्ड नहीं करती है। और इसमें आपको मिलती है मल्टीमीडिया कीज जिनको आप FN की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, FN+ मीडिया की, एंड देन आपको लास्ट में मिलता है आपको विंडोज लॉक बटन। आप गेम खेलते टाइम इसको विंडोज लॉक बटन को ऑन कर देंगे तो आपके विंडोज दबाने पर विंडोज नहीं खुलेगी। तो दोस्तों अब क्योंकि एक मैकेनिकल कीबोर्ड, और मैकेनिकल कीबोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें स्विचेस कौन से हैं, कौन सी कंपनी के स्विचेज हैं, तो डायरेक्टली मैं आपको बता दूं कि इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इसमें कौन सी कंपनी के स्विचेज हैं, और मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर आपको लोकल चाइनीज स्विचेज ही मिलेंगे। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक मैकेनिकल कीबोर्ड, हाई एंड मैकेनिकल कीबोर्ड है, और उसके बाद अगर आप इसके ऊपर शिफ्ट होगे तो आपको ये हल्का लगेगा। तो दोस्तों ये तो होगी कीबोर्ड की ओवरऑल बातें, टाइपिंग कैसी है, साउंड कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, तो वो तो सब बढ़िया है। लेकिन दोस्तों अब आपको मैं इस कीबोर्ड के बारे में एक इंटरेस्टिंग सी बातें बताता हूं। एक फैनटेक कीबोर्ड मेकिंग कंपनी है, उस कंपनी का एक कीबोर्ड है फैनटेक शैडो ब्लेड MK853, सेम इसका वाला मॉडल नंबर है, और दोस्तों वो कीबोर्ड सेम डिट्टो इसके जैसा है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है।
बस एक चेंज है कि यहाँ पर इसमें रेड गियर लिखा हुआ है और उसमें फैनटेक लिखा हुआ है, बस ये एक चेंज है, केवल लोगो चेंज है। बाकी कीबोर्ड ले लीजिए, इसकी कीज ले लीजिए, इसके वायर ले लीजिए, इसका बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स के अंदर भी केवल रेड गियर और फैनटेक लोगो का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। इवन जो ट्रेलर है, जो दोनों कीबोर्ड्स का ट्रेलर है, एक ट्रेलर भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो ट्रेलर भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है केवल लोगो के अलावा। और तो और दोस्तों, इस कीबोर्ड का फिलहाल रेड गियर की तरफ से कोई भी सॉफ्टवेयर हमको नहीं मिलता जिसकी मदद से हम इस कीबोर्ड को कंट्रोल कर पाए, लेकिन फैनटेक का एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो फैनटेक वाला सॉफ्टवेयर बना था फैनटेक के शैडो ब्लेड के लिए, लेकिन अब क्योंकि सेम उसका कॉपी है तो वो फैनटेक वाला सॉफ्टवेयर इस रेड गियर के कीबोर्ड में भी काम करता है। तो आप इस बात से आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट डिट्टो फर्स्ट कॉपी आप। और भी दोस्तों कई छोटे मोटे फीचर्स हैं इसके अंदर, लाइट की स्पीड को कम ज़्यादा करना, आरजीबी लाइट्स की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करना, तो ये आप जब कीबोर्ड मंगा लोगे, अगर आप मंगाते हो तो आप खुद से एक्सप्लोर करना, आपको काफ़ी मजा आएगा। तो दोस्तों लास्ट में ओवरऑल कीबोर्ड की बात करें तो काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। अगर आप ऑलरेडी एक मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो मेरी सजेशन रहेगी कि इसको थोड़ा साइड में कर दें, और अगर आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड से इस कीबोर्ड पर शिफ्ट होना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है मेम्ब्रेन कीबोर्ड से मैकेनिकल कीबोर्ड में शिफ्ट होने के लिए। साथ में आप उसमें वॉल्यूम नॉब भी मिलता है, जो कि मेरा तो सबसे पर्सनल फेवरेट है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये कीबोर्ड, मुझे ये भी कमेंट करके जरूर बताना, साथ में ये वॉल्यूम नॉब वाला फीचर आपको कैसा लगा ये तो जरूर से कमेंट करके बताना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।